बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 15B एंड वी डू फ्रॉम क्वेश्चंस ऑफ बेसिक लेवल, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स कंसिस्ट ऑफ 8 चाइनीज गर्ल्स, 3 मेले गर्ल्स, 1 इंडियन गर्ल, 1 चाइनीज बॉयज, 4 मेले बॉयज, 3 इंडियन बॉयज। इफ अ स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम टू टेक पार्ट इन अ सर्वे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ गर्ल। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना क्लास है 30 स्टूडेंट्स की, और ये आगे उनकी सारी रैंडम जो है ना बताई गई है कि इतनी। अब आपने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ना फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है ना, वो हमने जो है ना गर्ल की जो है ना प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक स्टूडेंट्स, पहले आप इधर जो है ना ये टोटल काउंट कर लें कि जो है ना वो इधर कितनी है, 8, 3 एंड 1। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना हमारे पास जो है ना टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आर क्या है, 8 + 1 + 3। ठीक है, इनको हम प्लस करें तो ये हमारे पास आता है 12। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना स्टूडेंट ऑफ अ गर्ल हमने फाइंड आउट करनी है, वो होती क्या है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट किसी एक इवेंट के लिए जो होती है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, ठीक, एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना इस फॉर्मूले में जो है ना वो हमने इसको प्रोबेबिलिटी को राइट डाउन करना है और इसको जो है ना हमने सॉल्व कर लिया। इधर हमारे पास आ गई प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये हमारे पास आगे जो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स वो 12, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है ना ये आपके उन्होंने क्वेश्चन में बताए हुए कि जो है ना 30 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये 12 / 30 आ गए, और जो है ना इसको जो है ना हम कैंसिल करें तो ये 6 के टेबल पे 2 6 आर और 2 5 30। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया 2/5 सिंप्लीफाई करके। ठीक स्टूडेंट्स, अब सेकेंड पार्ट में नोट आ चाइनीज। ठीक है, अब चाइनीज़ के अलावा जो है ना वो हमने सब स्टूडेंट्स को जो है ना वो एड अप कर लेना है। ठीक है, ये 3 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट अ चाइनीज। ठीक है, वो हमारे पास कितने आ गए जो है ना, 3 + 1 + 4 + 3। ठीक है, इनको हम प्लस करें तो ये हमारे पास आ जाता है 11। ठीक, ये 11 आ गए, तो इसकी फिर प्रोबेबिलिटी आएगी हमारे पास स्टूडेंट्स नॉट अ चाइनीज। ठीक, ये हमारे पास आ गई 11/30। ठीक स्टूडेंट्स, और यही जो है ना, ये सिंप्लीफाई भी नहीं होती, यही जो है ना इसका आंसर है सेकेंड पार्ट का। थर्ड पार्ट है नॉट एन इंडियन बॉय। ठीक है, अब जो है ना वो इंडियन बॉयज़ के अलावा जो है ना बाकी सबको जो है ना वो हमने जो है ना वो एड अप करना है। ठीक स्टूडेंट्स, अब ये थर्ड पार्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट एन इंडियन, और वो भी बॉय। ठीक स्टूडेंट्स, ये नॉट एन इंडियन बॉय, देखें इधर इंडियन बॉयज़ कितने हैं, सिर्फ 3 ही हैं। अगर हम 30 में से 3 माइनस कर दें तो वो हमारे पास 27 आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, 27 हो गए, और जो है ना प्रोबेबिलिटी नॉट एन इंडियन बॉय। ठीक है, इसकी हमने नॉट एन इंडियन बॉय की जो है ना ये हमारे पास आ गई 27, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 30। ठीक स्टूडेंट्स, इसको हम कैंसिल करें तो ये हमारे पास आता है 27, 3 के टेबल में 9 और 10। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास सिंप्लीफाई कर आ गया 9/10। थर्ड पार्ट इज सॉल्व। फोर्थ पार्ट में है यूरेशन। ठीक है, अब जो है ना हमने यूरेशन की जो है ना वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो, कोई है ही नहीं। ठीक है, इंडियंस थे, मेले थे, और चाइनीज़ के बारे में इधर स्टूडेंट से। ठीक है, तो वो आप देखेंगे देर आर नो ठीक है, इधर कोई वो जो है ना वो स्टूडेंट नहीं है, तो फिर इट्स मींस के जो है ना हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी हमारी आएगी 0, हम राइट डाउन करेंगे
ठीक है, 0 डिवाइडेड बाय 30 वी गेट 0. ठीक फ्रेंड्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्वड, वेरी सिंपल. Now students, question number 2. Shirley has 5 novels and 5 comics book in her bag. There are 3 of her are in a Japanese, 2 of which are comic books. The rest of the books are in English. If the book is chosen at random from her bag, find the probability of choosing. ठीक है, अब ये जो है ना उसके बैग के अंदर बुक्स हैं और सबकी जो है ना डिटेल दी गई है. सबसे पहले जो है ना वो आपने पार्ट नंबर 1 में फाइंड आउट करना है अ बुक इन जापानीज. जो है ना जापानीज जो है ना अगर हम रैंडमली फाइंड आउट करते हैं तो वो कितनी जो है ना वो बुक्स निकलती. सबसे पहले जो है ना हमने इसमें फाइंड आउट कर लेना है टोटल नंबर ऑफ बुक्स. ठीक है, जो कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारी, ठीक है, टोटल नंबर 5 नॉवेल्स है और जो है ना 5 कॉमिक्स बुक्स है. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 5 + 5 = 10. ठीक है, ये हमारे पास आ गई टोटल नंबर ऑफ बुक्स 10. ठीक है, अब जापानीज बुक्स. ठीक है, तो कितनी जापानीज इधर 3 जापानीज है, 3 ऑफ हर आर इन जापानीज. ठीक है, तो हम फिर प्रोबेबिलिटी ऐसे राइट डाउन करेंगे बुक चूजन एज अ जापानीज, जो हम चूज कर रहे हैं जापानीज पे वो हमारे पास है 3/10. हमारे पास आ गई 3/10. ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ गई 3/10. अब यही हमने फाइंड आउट करनी थी प्रोबेबिलिटी, फर्दर जो है ना वो सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकती. जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 में हमने फाइंड आउट करना है नॉवल विच इज़ इन इंग्लिश. वो नॉवल हमने फाइंड आउट करना है जो कि है इंग्लिश के अंदर. ठीक है, अब इधर से हम जो है ना इसको जो है ना अंदाज़ा करते हैं. जी स्टूडेंट्स, इधर देखें 3 ऑफ हर आर इन जापानीज. 3 बुक्स जो है ना वो जापानीज ने, 2 ऑफ विच आर कॉमिक बुक्स. और इन 3 जापानीज बुक्स में से ना 2 कॉमिक्स और 1 जो है ना एक नॉवल है. ठीक है, ये 1 नॉवल है, इट्स मीन्स के टोटल 5 नॉवल है और 5 में से हम 1 माइनस कर दें तो हमारे पास जो होता है ना 4 नॉवल्स आ जाएंगे इंग्लिश में. ठीक स्टूडेंट्स, ठीक है, पहले नंबर ऑफ नॉवल्स इन, ठीक है, ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ नॉवेल्स इन जापानीज. नंबर ऑफ नॉवेल्स जो हमने जापानीज में फाइंड आउट करने हैं वो हमारे पास कितने हैं, 3 - 2, क्योंकि 2 कॉमिक्स बुक है, ये 1 आ गया. और फिर नंबर ऑफ नॉवेल्स इन इंग्लिश, ठीक है, 5 टोटल है, 1 माइनस किया तो वो हमारे पास 4 आ गए. ठीक फ्रेंड्स, अब जो है ना अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे. बुक चूजन अ नॉवल विच इज इन इंग्लिश. ठीक है, इसकी जो है ना वो हम प्रोबेबिलिटी राइट डाउन करेंगे. ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विच इज 4 एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विच इज 10. ठीक, ये हो गया, ये हमारे पास आ गई 2/5. ठीक स्टूडेंट, सिंप्लीफाई करके 2/5 आ गई और यही इसका आंसर है. ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व्ड. नंबर 3, अ सर्वे इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट विच ऑफ द 4 फ्रूट्स एप्पल, पपाया, गावा एंड मैंगो द स्टूडेंट्स इन द क्लास प्रेफर. द पाई चार्ट शो द रिजल्ट ऑफ द सर्वे. अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स प्रेफर्स. नंबर 1, एप्पल. ठीक, ये हमें जो है ना उन्होंने एक पाई चार्ट प्रोवाइड किया गया हुआ है. ये एप्पल की जो है ना वो रेशियो है, जो है ना स्टूडेंट जो है ना जिसको प्रेफर कर रहे हैं. ठीक है, ये इधर 150 डिग्री है. अब हमने इसको जो इसकी जो है ना प्रोबेबिलिटी जो है ना वो फाइंड आउट करनी है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको मालूम है कि ये जो है ना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक, अब इसमें जो फेवरेबल अगर हम इसको पाई चार्ट को देखें ना, तो इसमें जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स आ रहे हैं ना वो अब हमने इस अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट देखने हैं. ठीक है, तो वो हमारे पास ये पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, और उसमें से हमारे पास आ रहा है 150 डिग्री. ठीक स्टूडेंट्स, तो जो है ना हम इसको जो है ना वो इस तरह लिखेंगे, इस तरह राइट डाउन करेंगे. ठीक है, प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स प्रेफर्स एप्पल. ठीक है, जो स्टूडेंट्स जो है ना प्रेफर कर रहे हैं एप्पल को. ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये प्रोबेबिलिटी इक्वल है एरिया ऑफ सेक्टर. ठीक है, कौन सा एरिया सेक्टर का ऑफ डोनेटिंग, जो
आपको शो कर रहा है या शोइंग एप्पल्स, ठीक है, ये लिख लें. ओवर क्या आना है इसके, जो है ना वो हमारे पास आएगा एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है, पूरा जो है ना वो एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है. ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ रहा है 150 और नीचे आ रहा है 360. ठीक फ्रेंड्स, टोटल जो एरिया है वो आपको पता है कि 360 के इक्वल होता है. इसको हमने कैंसिल आउट कर लेना है, ठीक है, ये इससे, और 3 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है, ठीक है, 3 5 15, 3 1 एंड 3 2 6. ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके ये जो है ना प्रॉबिबिलिटी आ गई इसकी पाई चार्ट में से एप्पल की. नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है मैंगो की. अगर हम इधर अपने इसको सर्कल को नोटिस करें ना, तो इधर हमें मैंगो की ये प्रोवाइडेड ही नहीं है. ठीक फ्रेंड्स, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम 360 में से ये सब जो है ना माइनस करेंगे, कि 360 में से ये इधर 90 डिग्री है, ठीक है, 90 है, 150 और 45 को माइनस करेंगे तो हमारे पास पहले ये आएगी, ठीक है. पहले हमने ये फाइंड आउट करनी है कि ये जो हमारे पास एरिया है ये कितना है, तब जो है ना हम इस पर जो है ना वो फॉर्मूले को जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं. जी फ्रेंड्स, हम इसको शो कर रहे हैं एंगल ऑफ सेक्टर शोइंग मैंगो, जो है ना वो वाला एंगल हम शो कर रहे हैं कि जो है ना जो मैंगो को शो कर रहा है, ठीक है, वो हमारे पास आएगा 360 डिग्री में से जो है ना वो हमने माइनस करना है 150, ठीक है, माइनस 45 और माइनस 90, ठीक है. इन तीनों को हम जो है ना 360 में से माइनस करें ना, तो ये जो है ना हमारे पास आता है 75 डिग्रीज. ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास 75 डिग्रीज आ गया. अब इसी तरह ही हमने जो है ना इसको फॉर्मूले में इसको राइट डाउन करना है और जो है ना इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है. प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है डेट द स्टूडेंट प्रेफर्स, और इधर सेकंड पार्ट में हमने मैंगो की फाइंड आउट करनी है. जी, स्टूडेंट्स प्रेफर्स मैंगो, ठीक है, जो स्टूडेंट्स जो है ना प्रेफर कर रहे हैं मैंगो को जो है ना वो कौन से, ठीक, उसका जो फार्मूला होगा एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ शोइंग मैंगोज टोटल एरिया ऑफ अ सर्कल. ठीक फ्रेंड्स, तो फिर ये इधर आ गया, जो इधर शो कर रहा है वो कितना आया हमारे पास 75, ठीक है, और टोटल है हमारे पास 360. ठीक, इसको जो है ना वो आप जो है ना वो कैंसिल कर लें. बस इधर आ गया 15 के टेबल 5s are, और ये 2 और ये 6 आगे चले गया, और ये इधर आ गया हमारे पास 24. ठीक स्टूडेंट्स, ये 15 के टेबल पे मैंने कैंसिल किया तो मेरे पास आ गया 5/24. ठीक, ये आ गया स्टूडेंट्स प्रेफर्स मैंगो, ठीक है, जो मैंगो को प्रेफर कर रहे हैं वो मेरे पास आ गया 5/24. ठीक, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है में जो है ना वो पपाया और गावा है, ठीक है, पपाया और गावा की जो टोटल शो कर रहा है वो है 45 + 90, ठीक है, इसको जो है ना वो हमने जो है ना इधर ऐड अप कर लेना है. जी स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ सेक्टर डिनोटिंग गावा एंड पपाया वो हमारे पास आ गया 45 degrees + 90 degrees, ठीक है, 45 को हम 90 में प्लस करें तो वो हमारे पास आ जाता है 135 degrees. ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास 135 डिग्री आ गया, और अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है इसकी, तो वो हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स प्रेफर्स पपाया और गावा, ठीक है, ये फ्रेंड्स इसके अंदर हम राइट डाउन करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर डिनोटिंग गावा एंड पपाया, ठीक है, वो हमने अभी जो है ना इधर फाइंड आउट किया 135 डिग्री और ओवर टोटल एरिया ऑफ अ सर्कल. इसको हम कैंसिल करेंगे, तो पहले 5 के टेबल पे कैंसिल हो रहा ना, 5 2s are 10, 3 आगे 5 7, और फिर ये इधर 5 7s are 35 और 1 आगे 5 2s are 10, ठीक, ये 27 और ये 72 जो है ना ये अगेन जो है ना इसके सारे 9 3s are 27 और 9 8s are 72. ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास 3/8 जो है ना
इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई उन स्टूडेंट्स की जो प्रेफर करते हैं पपाया और गावा को. ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्व्ड. नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, अ रेगुलर ऑक्टागोन इज डिवाइडेड इनटू 4 रीजन वेयर ओ इज द सेंटर. अ पॉइंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम इन अ ऑक्टागोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट लाइज इन. ठीक, पार्ट नंबर 1 में रीजन आर, ये अब उन्होंने हमें शेप दी हुई है ऑक्टागोन की. ठीक है, और इनमें जो है ना उन्होंने कहा है कि एक जो है ना वो पॉइंट लाइज कर रहा है, एक पॉइंट आपने सिलेक्ट करना है रैंडम ऑक्टागोन में, तो आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है उसकी जो है ना उन पॉइंट्स की जो इसमें जो है ना लाइज करेंगे आर में, पी में, क्यू में और एस में. ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गए. पहले सबसे हम इसमें नोटिस कर लें कि इसमें जो है ना वो कितनी है, टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है ऑक्टागोन में. ज़ाहिर है उसके नाम से जो है ना वो हमें पता चल रहा है कि इसमें जो है ना 8 साइड्स हैं. काउंट भी कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक स्टूडेंट्स, ये इधर हो गई 8 साइड्स के टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास क्या हो गए, 8. ठीक है, ये आपने लिख ली देर आर टोटल 8 साइड्स इन द ऑक्टागोन. ठीक है, ये जो है ना पूरी जो है ना वो हो गई 8 साइज हो गई. अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रीजन आर में. ठीक, पार्ट नंबर 1 में द पॉइंट लाइज इन रीजन आर, प्रोबेबिलिटी पॉइंट लाइज इन द रीजन आर. ठीक है, ये आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो कि है रीजन आर के अंदर. ठीक, ये क्या है, इसके अंदर आ रहा 1 आ रहा है. ठीक, ये 1 इसमें बस एक साइड आ रही है, तो ये हमारे पास हो गया 1 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ऑक्टागोन 8, 1/8. ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, वेरी सिंपल. सेकंड पार्ट में रीजन एस. अब रीजन एस को अगर हम नोटिस करें तो इसके पास जो है ना हमारे पास 3 साइड्स आ रही है, 1 2 एंड 3. ठीक है, तो फिर इधर आएगा 3/8. ठीक स्टूडेंट्स, ये आ गई प्रोबेबिलिटी पॉइंट जी पॉइंट लाइज इन द रीजन एस. ठीक है, ये कितने एस में 3 आ गए, 3 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 8. ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गया थर्ड वाला पार्ट रीजन पी और क्यू. ठीक है, अब जो है ना हमने इसकी जो है ना पी और क्यू की जो है ना वो राइट डाउन करनी है. पी की 2 है और क्यू की भी 2 है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी पॉइंट लाइज इन द रीजन पी और क्यू. ठीक है, ये हमारे पास आ गई 2+2. ठीक, और ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, 8. ठीक, ये हमारे पास हो गया 4/8, इसने कैंसिल किया, वी गेट 1/2. ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गई जो है ना पॉइंट लाइज इन द रीजन पी और क्यू, 1/2. ठीक, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व्ड, वेरी सिंपल. नंबर 5, देर आर 15 गर्ल्स एंड एक्स बॉयज एट अ स्कूल ग्रेड स्केयर. ठीक है, 15 गर्ल्स हैं और बॉयज़ उन्होंने प्रोवाइड नहीं किए, वो हमें जो है ना उन्होंने दिए है एक्स जो है ना वो बोला है. ठीक, पार्ट नंबर 1 में हमने करना है राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ एक्स फॉर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एट अ स्कूल ग्रेड स्केयर. ठीक है, अब इधर जो है ना वो हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखने हैं इन टर्म ऑफ एक्स में. ठीक है, टोटल क्या होगा, गर्ल्स और बॉयज़ को हम प्लस कर देंगे, इट्स मीन्स 15+x. ठीक, ये हमारे पास हो जाएगा. ठीक, हमारे पास आगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 15+x. ठीक स्टूडेंट्स, ये ही हमारा ए पार्ट है, हमने ये बताना है इन टर्म ऑफ एक्स जो है ना ये आपने जो है ना इसको राइट डाउन कर दिया. ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट पार्ट नंबर 2, अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ एक्स फॉर द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ गर्ल. ठीक है, आपने जो है ना रैंडम इसमें जो है ना स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं और वो कह रहे हैं कि वो एक्सप्रेशन भी जो है ना आपका इन टर्म ऑफ एक्स होना है और प्रोबेबिलिटी आपने राइट डाउन करनी है स्टूडेंट्स की जो कि है ना गर्ल्स की. ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गई बात. अब इधर आपने लिखनी है प्रोबेबिलिटी आपने राइट डाउन करनी है. ठीक, स्टूडेंट क्या गर्ल है. ठीक है, आपके पास इधर गर्ल्स कितनी है, 15 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं,
ठीक है, 15+ या x+15, ठीक है जी स्टूडेंट। न्योमिनेटर में हमारे आगे दी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। टोटल पे जो है ना वो हमने इसको जो है ना वो डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास जो है ना प्रोबेबिलिटी आ गई। ये हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी इज जो है ना, जो टू में प्रोबेबिलिटी आई है ना हमारे पास वो किसके इक्वल है? 1/5 के, ठीक है। इसको जो है ना वो हम इक्वल रख देंगे 1/5 के, और हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की। ठीक स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, ठीक है। ये जो हमारी प्रोबेबिलिटी आई हुई है ये किसके इक्वल है? 1/5 के, ठीक है। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 5x+15, ये 75x+15, ये 15 इधर जाकर माइनस होगा, 75 -15 एंड वी गेट 0 एंड 60। हमारे पास जो है ना वो एक्स की वैल्यू आ गई 60। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 इज सॉल्व। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। टेक केयर ऑफ सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।